Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanu Chadakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, ये महिलाओं को प्रेगनेंसी तब तक कंसीव नहीं होती जब तक महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल नहीं होता. इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब है कि एम्ब्रियो का सक्सेसफुली यूट्रल लाइनिंग में चिपकना. जब ये प्रोसेस सक्सेसफुल होती है तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उसी के बाद से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है. तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी ओवरी से एग रिलीज हो गया है तो उसके बाद आपको एक ऐसा क्या काम करना है जिससे 101% आपका इम्प्लांटेशन सफल होगा और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी. तो देखिए क्या होता है गाइस, पीरियड के पहले दिन से महिलाओं की ओवरीज में बहुत से फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बट उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो अच्छी तरीके से तैयार होता है फूटने को. लाइक अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है तो आपका फॉलिकल तैयार हो जाता है 12वें या 13वें दिन. जब फॉलिकल तैयार होता है तो उसके बाद महिलाओं की बॉडी में नया हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही ओवुलेशन को ट्रिगर करता है. यानी जब फॉलिकल बिल्कुल तैयार हो जाता है उसके बाद महिलाओं की बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन राइज होता है, और फॉलिकल तैयार होने के बाद इसे राइज होने में 24 से लेकर 36 घंटे का टाइम लगता है, एंड 24 से लेकर 36 घंटे के बाद ही महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है. देखिए ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो प्रोसेस क्या होती है, जो फॉलिकल आपका तैयार हुआ है वो स्वेल होता है, खिंचता है, फूटता है, और उसमें से जो मैच्योर अंडा है वो रिलीज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है. तो वो जो आपका फॉलिकल है वो खाली हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम, और उसमें से ओवुलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में एक नया हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाहिए रहता है, प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए चाहिए रहता है, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए रहता है. अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल महिलाओं की बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है. बट गाइज अगर ओवुलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है. इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ठीक तरीके से इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल हो पाता है. तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी किस तरीके से नेचुरली आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हैं. कई महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज नहीं होता ठीक तरीके से, तो इवन डॉक्टर्स वगैरह टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल हो सके. अगर आप चाहते हैं नेचुरल तरीके से तो आज के वीडियो में ऐसी कुछ नेचुरल रेमेडीज बताने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ क्या आपको करना चाहिए जिससे नेचुरल तरीके से आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हैं. तो गाइज देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करना सबसे पहले गाइज आपको अपनी डाइट में लेना है जिंक रिच फूड्स. देखिए जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट करता है FSH एंड LH जैसे हार्मोन को. पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन में होती है जो FSH एंड LH जैसे हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जो महिलाओं के ओवुलेशन को प्रमोट करता है, और इसके साथ ये ओवरीज को स्टिमुलेट करता है जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ठीक तरीके से ओवुलेशन के बाद रिलीज हो पाए. ये इतना ही काम नहीं करता, इसके बाद जिंक का ये काम होता है जो प्रोजेस्टेरोन आपकी ओवरी से प्रोड्यूस हो रहा है उसको महिलाओं की बॉडी ठीक तरीके से यूटिलाइज कर पाए. अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा है और बॉडी ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है तब भी कोई फायदा नहीं है. इसके साथ आपको लेना है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड. इनका मेनली काम होता है ये महिलाओं की बॉडी में हार्मोन के प्रोडक्शन को ठीक करते हैं, हार्मोन को बैलेंस करने का काम करते हैं, एंड ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को महिलाओं की बॉडी में बूस्ट करते हैं जिससे इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं. साथ आपको तीसरा काम करना है विटामिन सी. देखिए विटामिन सी सिर्फ महिलाओं की इम्यूनिटी को नहीं स्ट्रांग करता, विटामिन सी हार्मोन के मेंटेनेंस के लिए, हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ओवुलेशन से पहले अपनी डाइट में विटामिन सी आपने अच्छी क्वांटिटी पे इंक्लूड किया है तो ओवुलेशन के बाद ये आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करता है. इसके साथ आपको लेना है विटामिन ई रिच फूड्स. देखिए विटामिन ई महिलाओं की बॉडी में ओवरऑल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन
ठीक करता है। इवन रिसर्च में भी पाया गया है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए विटामिन ई एक स्पेयरिंग एजेंट है, यानी विटामिन ई एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए, ताकि कोई भी एस्ट्रोजन हार्मोन का टॉक्सिक इफेक्ट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे ना जाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ओवुलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन डोमिनेंट हो सकता है, जिसकी वजह से महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। आपको लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, सबसे पहले तो अपने वेट को हेल्दी रखना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, बॉडी में फैट एक्युमुलेशन ज़्यादा हो चुका है, मोटापा ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में मोटापा ज़्यादा बढ़ा है तो इस कंडीशन में महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। अगर आपका वेट हेल्दी होगा तो आपके हार्मोन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस में आने लग जाते हैं। दूसरा काम आपको करना है, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। देखिए, स्ट्रेस इनडायरेक्टली ट्रिगर करता है स्ट्रेस हार्मोन को। जब स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है तो महिलाओं की बॉडी में किडनी क्या काम करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कन्वर्ट करके स्ट्रेस हार्मोन में चेंज करती है, और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है। यानी महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने लग जाता है और स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने का बेस्ट तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे कीजिए। एंड जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी हैप्पी रहेगी, तभी जाके हार्मोन का प्रोडक्शन और हार्मोन बैलेंस में आ पाएंगे। और तीसरा काम आपको करना है, कभी भी ओवर एक्सरसाइज या ओवर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उल्टा पड़ता है। जब आप ओवर कोई चीज़ करते हैं तो उससे स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है, और स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होने का मतलब है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होना, जिससे आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को खुद कम कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आपको ओवरडू नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ओवर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी उल्टा पड़ता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब चीज़ें सही तरीके से आप करते हैं, जो मैंने बताया वो सब चीज़ें ठीक तरीके से लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में नेचुरल तरीके से बूस्ट हो जाता है। कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, जिससे 101% ओवुलेशन के बाद महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, बच्चा सक्सेसफुली यूटरन लाइनिंग में चिपक पाता है, और महिलाएं 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाती है। तो गाइज, यही आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।